नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मरीन लाइन, मेरा सवाल है, मैं हूँ विपुल सिंह। और बुधवार का दिन, बुध में सब कुछ शुद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ दिन पहले जब बाज़ार में गिरावट आई थी, तब ऐसा लगा कि शायद ऊंचाई पर लोगों ने खरीद लिया और शायद अब बाज़ार में महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल टूटेंगे, बाज़ार में नई गिरावट आएगी। लेकिन बाज़ार है कि उसने ऐसा लगता है कि एक बहुत हाल ही की फिल्म है पुष्पा, और वो झुकेगा नहीं वाला एक जो एटीट्यूड है वो इस समय बाज़ार के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज निफ्टी ने नया उच्चतम स्तर बनाया है 21,603 का। जी हाँ, आज 21,600 के भी पार निफ्टी हो चुका है। तो नई ऊंचाई पर शेयर बाज़ार, क्या होगा निफ्टी अब 22,000 के पार? सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस रैली में 22,000 तक जाता हुआ निफ्टी दिखाई देगा? एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो अभी भी जो है पूरी तरीके से गिरफ्त जो है वो बुल्स की देखने को मिल रही है। 34 शेयर निफ्टी के अंदर मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और 15 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम पूरे NSE की बात करें तो 2463 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज, जो कि जिन्होंने आज कारोबार हुआ है, 1238 में बढ़त है और 1128 में गिरावट देखने को मिल रही है। 123 शेयरों ने अपर सर्किट लगाया है और 169 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने कि 52 हफ्ते का नया उच्चतम स्तर बनाया है, और सिर्फ 12 शेयर ऐसे हैं जो कि 52 हफ्तों के निचले स्तर पर कामकाज कर रहे हैं। क्या होनी चाहिए इस बाजार में रणनीति, करेंगे अगले एक घंटे तक चर्चा। साथ ही साथ बदलेंगे स्टॉक्स में, खबरों वाले शेयरों में कैसे बनाए रणनीति, ये समझने की कोशिश होगी। 1:45 पर आज भी 3 IPO हुए लिस्ट, कहीं मिली है आशा, कहीं हुई है निराशा। क्या करना चाहिए आपको अभी भी, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। आज हैप्पी फोर्जिंग से लेकर के तमाम जो लिस्टिंग हुई है सब पे डिटेल में बातचीत होगी 1:45 वाह के IPO हमें, और आखिर में होगा हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के। तो बने रहिए अगले एक घंटे हमारे साथ। और अब रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से आपको, हमारे साथ तकनीकी चार्ट्स को पढ़ने के लिए विशेषज्ञ नितलेश पावस्कर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बाज़ार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे सर। चाहे जो स्थिति हो, अभी तक के बाज़ार को पिछले साल भर में अगर हम देखें तो बाज़ार में हर डिप में खरीदारी का मौका कहीं ना कहीं बाज़ार ने दिया है, और जहाँ पर जितने लोगों ने भी मंदी खेली है उनको बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग धीरज के साथ बने रहे हैं निश्चित रूप से बाज़ार ने उनको अच्छा रिटर्न दिया है। अब हमने देखा, अब प्री बजट रैली आनी बाकी है, अभी प्री इलेक्शन रैली आनी बाकी है। ऐसे में क्या ये मान के चलें कि हर गिरावट खरीदारी का मौका है, गिरावट तो आएगी बाज़ार में, या फिर क्या सलाह रहेगी आपकी? देखो, यहाँ पे मार्केट में मैं कंटिन्यूअसली एक चीज बोलते आ रहा था कि बकेट ओवरऑल अगर हम लोग लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव व्यू से देखेंगे तो भविष्य बाजार अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी अंधाधुंध बाइंग करके चलना चाहिए। देखो, मार्केट में अभी एक अच्छा खासा स्ट्रांग पैटर्न बना था और वहीं से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला था, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो अभी पहले हम लोग क्या करते थे कि सपोर्ट एरिया के आसपास लेने की कोशिश करते थे, तो अभी सपोर्ट एरिया के आसपास नहीं लेना है। अभी क्या काम करना है कि अगर सपोर्ट ब्रेक डाउन होके नीचे जाके, मान लो 21,200 का सपोर्ट है, तो 21,200 के नीचे ब्रेक डाउन करके फिर अगर वो 21,200 के नीचे कंफर्टेबल ऊपर ट्रेड करता है 21,200 के ऊपर, तो नीचे का जो यूटर्न वाला पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो अभी गिरते बाजार में आपको यही करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि अभी तक जो मार्केट आया है वो मार्केट ऐसे हुआ है कि गिर गया है बाउंस बैक आ रहा है, गिर गया है बाउंस बैक आ रहा है, तो एक आपको आदत लग चुकी होगी कि यहाँ पे लेना है, पहले सपोर्ट एरिया के आसपास लेना है। और अभी तक आपने ज्यादा माल नहीं लिया होगा और इसी फॉर्म में आप ज्यादा माल लेंगे और वहीं पे आप क्या हो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। तो जो मुनाफा है उसको ट्रेन करते जाओ। अगर फ्रेश बाइंग करना होगा तो यही आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्निक लेना पड़ेगा। अगर अभी हम लोग मार्केट की बात करेंगे तो आज अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल के ऊपर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, पिछले स्विंग हाई को क्रॉस करके मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल से क्या दिखाया, फॉल दिखाया। तो अभी आपके लिए जो भी आप पोजिशनल लॉन्ग कर रहे हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस जो है वो वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस आपका होगा 21,400। 21,400 जब तक होल्ड है तब तक आप पोजिशनल अपने क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो 2-4 दिन का जो पोजिशन है उसको। लेकिन अगर 21,400 ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपको फिर से देखने को मिलेगा मार्केट में 21,250, 21,000 ये लेवल्स। अगर मार्केट यहां से फॉल करके 21,400 को संभालने के बाद 21,500 को ट्रेड करता है ऊपर के साइड में, तो आपका लॉन्ग साइड का 21,400 का स्टॉप लॉस होगा। फिर जो आप बात कर रहे हो 22,000 से पहले थोड़ा सा 21,800 फिर 22,000 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अवधि चार्ट को देखेंगे तो अवधि चार्ट में एक स्टिप मोमेंटम के बाद एक डबल काइंड ऑफ डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ है,
और वहीं से मार्केट ने क्या दिखाया है, रिवर्सल दिखाया है। और साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिकेटर्स में भी डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलेगा, तो आपका 21,400 वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस के साथ अपनी रणनीति आप बनाएंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ये फिलहाल नितलेश जी की राय जो है निकल करके आती हुई, तो तकनीकी रूप से बाजार में क्या दिखाई दे रहा है वो उन्होंने आपको बता दिया। अब इस बीच बड़ी संख्या में जो हमारे साथ दर्शक जो है पहले से ही कार्यक्रम शुरू होने से पहले काफ़ी सारी टिप्पणियाँ, काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर आते हुए, मनोज ऑफिशियल ने कहा है कि जो है अंकित जी ने कहा है कि 1,10,00,000 जो है सब्सक्राइबर होने की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब आप लोगों का प्रेम है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग लगातार जुड़ रहे हैं मनी नाइन के साथ, कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं और हमें हौसला दे रहे हैं कि हम और बेहतर कार्यक्रम करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का लगातार मनी नाइन को पसंद करने के लिए। अब एक एक करके सवालों की झड़ी जो है लेते हैं। और इस बीच मनोज ऑफिशियल जी ने प्रश्न किया हुआ है कि टैक्स रेल के शेयर खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहिए, आज आज खरीदना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है। रेलवे शेयरों में निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी जो है रैली जो है वो देखने को मिली है, लेकिन अब करंट लेवल पे क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये जो है जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सर टैक्स रेल को लेकर के सवाल है यहाँ पर कि वो कह रहे हैं कि क्या करंट लेवल पे खरीद लें, अभी 172 173 के आसपास चल रहा है टैक्स मैको का शेयर, 2.25% आज नीचे है। कुछ दिन पहले यहाँ कुछ खबरें थी उसके चलते हमने बजिंग स्टॉक्स में इसको डिस्कस किया था, हालांकि पिछले एक महीने में करीब 14% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है और 6 महीने में शेयर डबल से ज़्यादा हो गया है। अब करंट लेवल पर टैक्स मैको रेल के अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या अभी जो गिरावट आई है 1-2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं? नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक लेवल है जहाँ पे थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं, 140। यहाँ से तकरीबन 30 पॉइंट दूर है, लेकिन 140 से लेके 150 ये जोन में अगर मिलता है तो आप 130 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हो। इसमें अगर हम लोग टेक्निकली देखेंगे, जो 20 तारीख को जो फॉल आया था, उस फॉल को कवर करने के लिए ऑलमोस्ट मार्केट ने 5 दिन बिताए हैं और उसके बाद भी वो हाईस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिल रहा है। तो 140 150 इस रेंज में आता है तो धीरे धीरे करके आपको पोजीशंस बनानी होगी 130 के स्टॉप लॉस। जी चलिए, सादिक साहब हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। सादिक साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नमस्कार सर। नमस्कार सादिक साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र पुणे से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, पुणे से बोल रहे हैं। पुणे में अभी कैसा मौसम है सर? हाँ सर, अभी तो वो ठंडा मौसम है। अच्छा, ठंडा मौसम वहाँ भी है। चलिए, हाँ हालांकि हालांकि दिल्ली के मुकाबले ठीक बेहतर स्थिति होगी क्योंकि दिल्ली में की ठंड तो जो है पूरे देश भर में मशहूर है। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर, मैं वो सुजलॉन एनर्जी के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो मैंने 10,000 क्वांटिटी लिया हूँ और उसका एवरेज है 38 रुपए 37 पैसे से। कौन सी एनर्जी आपने बताया, और सुजलॉन एनर्जी? हाँ सुजलॉन एनर्जी। अच्छा, आपने 38 पे लिया हुआ है ना? हाँ 38.37 पॉइंट। ठीक है ठीक है। और क्या नजरिया क्या है आपका सर, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर मेरा 2 साल का नजरिया है कि 2 साल अच्छा, तक होल्ड कर सकता हूँ मैं। 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं, चलिए अच्छी बात है कि आपका लंबे अवधि का नजरिया है। बस एक ही खामी रही सर आपकी कि आपने पूरी रैली खत्म होने के बाद यहाँ पर एंट्री ली है, तो वो थोड़ा सा आपको कि कंसोलिडेशन के मोड में आ गया है। शानदार मूव रहा, बहुत सारी खबरें लगातार बनती आई कंपनी के शेयर में और अब थोड़ा सा शेयर जो है वो सुस्ता रहा है। एक तरफा चाल आपने आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर सुजलॉन एनर्जी में देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन बनता था और वही देखने को मिल रहा है। आपकी खरीद से दूर नहीं है, 38 37 पे आपने लिए, 2 रुपये का अभी आपको नुकसान हो रहा है, 2.25 रुपये के आसपास का। सर नितलेश जी, काफ़ी शानदार मूव रहा, 6 7 8 रुपये से चलना शुरू हुआ, 42 43 तक गया शेयर, ये अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में है। नज़रिया इनका लॉन्ग टर्म का है और जिस तरीके से कंपनी लगातार फोकस ये कर रही है कि अपने कर्ज को कम किया जाए, तो क्या बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? देखो लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक 7 रुपए से कंटिन्यूअसली चलना चालू हुआ था। जब मैं बोलता था कि इस स्टॉक को होल्ड करे होल्ड करे, तो काफी लोग मजाक उड़ाते थे और मैं कंटिन्यूअसली बोलता था कि अच्छा खासा मोमेंटम ये स्टॉक देगा। तो अगर हम लोग चार्ट को देखेंगे तो एक कंटिन्यूअसली लास्ट कुछ दिनों से हायर लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिल गया। तो ऊपर से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को क्लोट करेंगे तो 38.70 जहाँ पे उनका बाइंग है वही ट्रिगर पॉइंट होगा, उसके ऊपर निकलेगा तो इसमें एक शानदार तेजी फिर से देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये 35.50 मतलब 35 रुपए 50 पैसे ही लेवल के नीचे चला जाता है, तो एक बार के लिए क्वांटिटी को कम कर लेना, और नीचे अगर मिलता है किस कारण से बाजार में गिरावट आती है तो
वहां पे आप अपनी क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, फिर से ले सकते हो। तो 3550 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि हेवी क्वांटिटी है, 10,000 के आसपास क्वांटिटी है। 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो जाएगा, अगर आपको फर्क नहीं पड़ेगा तो आप पोजिशन को होल्ड कर सकते हो, लेकिन 3550 आप स्टॉप लॉस रखो। किस कारण से, अगर 28 रुपए 30 रुपए जहां से उस स्टॉक ने एक मल्टी ईयर ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया था, तो वो जोन जो होगा वो आपके लिए क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये 2014 के आसपास के जो हाई थे 28 रुपए से लेके 30 रुपए, वो अगर मार्केट किस कारण से रिटेस्ट करता है तो वहां पे आप अपनी क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, फिर से ले सकते। तो ये फिलहाल राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच चलते हैं अपने अगले दर्शक के पास, और बड़ी संख्या में जो सवाल आ रहे हैं उसमें एक सवाल बड़ा कॉमन है जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रहा है, और वो है इरेडा को लेकर के। तो चूंकि तकनीकी रूप से बाज़ार को पढ़ते देखते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे इरेडा के, लेकिन फिर भी अगर आपको फंडामेंटल व्यू चाहिए तो आप कल के हमारा कार्यक्रम देखिए, थंब भी उस पर लगा हुआ है, बिल्कुल कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में इरेडा पे फंडामेंटल व्यू मिलेगा। लेकिन जो भी चार्ट्स अभी अवेलेबल हैं उसको लेकर के अगर हम पूछते हैं एक बार नितले जी से, अगर वो कोई कमेंट करना चाहें। सर, हाल की लिस्टिंग काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला, लिस्टिंग के बाद भी लोगों ने उसमें एंट्री लेकर के काफ़ी पैसे कमाए और 120 रुपये तक गया, और अब सुस्ती के मोड में है, ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ आ रहा है, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, हालांकि चार्ट्स आपके पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। देखो, इस स्टॉक को 94 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। इस स्टॉक को जो भी मेरे स्टूडेंट्स क्लाइंट जितने भी लोग हैं उनके पास जो पोजीशन था उनको मैंने कट करने को बोला था, 110 के आसपास जो भी कुछ हाई बनाता है उसी हाई के आसपास हम लोगों ने कट करने को बोला है पोजीशंस को। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 30 वाली जो चीज हुई वो काफी एक फास्ट मोमेंटम में चला था ये स्टॉक, हायर लेवल के ऊपर फंसे हुए लोग। तो यहाँ पे अगर आपको लेना है तो दो तरीके से आप इस स्टॉक को ले सकते हो। अगर बाजार 70 रुपीज के आसपास आता है, 70 से लेके 68 ये जोन में अगर आपको मिलता है प्रीवियस वाला ब्रेकआउट जो था वहां पे आप ले सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए 94.50 का, मतलब 95 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे। 95 ब्रेक डाउन होने के बाद सीधा वो जो प्रीवियस जो गैप था उसी एरिया के आसपास 83 के आसपास चल सकता है, लेकिन अगर ये स्टॉक में 160 ये लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर ये स्टॉक में एक तगड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, फिर ये स्टॉक 120 से लेके 140 ये जोन तक भी चल सकता है। तो लेवल्स क्लियर है, 95 रुपीज का नीचे में स्टॉप लॉस, ऊपर में 107 अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर आपको 120 140 ये लेवल्स देखने। जी चलिए, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, सोनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोनी जी नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, क्या करते हैं दिल्ली में आप? मैं सर सर्विस करता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बताइए सर क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? अच्छा सर, मेरे पास ना इन्फोसिस के 60 शेयर हैं, 1350 में लिया था। तो हाँ, इन्फोसिस इसको सर सेल करना है या अभी होल्ड करना है? किस भाव पे लिया आपने? 1350 पे कितने शेयर लिए? 60। अच्छा, 60 शेयर आपने 1350 रुपये के भाव पर लिए हैं राजेश जी ने। इन्फोसिस पे कल एक नेगेटिव खबर आई थी सर, और इसीलिए पूछ लो, कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर जो था, कंपनी को जो उम्मीद थी उस बड़े ऑर्डर्स को रद्द कर दिया गया है, और एक बड़ी कंपनी के द्वारा। तो खैर, अच्छी बात यह है कि आपने 1350 पे लिए हैं, आपको अभी भी जो है करीब करीब 200 रुपये के आसपास के पैसे जो है रुपए प्रॉफिट हो रहा है। पूछते हैं नितले जी, चार्ट्स पे कैसा दिखाई दे रहा है सर? रिकवरी आई है लोअर लेवल से, जिस तरीके से बुरा प्रदर्शन आईटी कंपनियों का चल रहा था, ऐसा लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब दिसंबर के बाद से हालात हो सकता है कुछ आईटी कंपनियों के लिए बेहतर हो। आप चार्ट्स पे क्या देख पा रहे हैं, क्या अभी इनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? 200 रुपये के मुनाफे पे हैं अभी। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 1520 1500 ये मेक और ब्रेक लेवल है। मार्च 2023 के बाद मार्केट चला था लेकिन ये स्टॉक चला नहीं था और इसके ऊपर क्लोजिंग देने में अभी सक्षम हो रहा है। तो 1500 के नीचे अगर ये चला जाता है तो आपको एग्जिट करना है। फिर से अगर 1480 का एक ट्रिगर पॉइंट बना के फिर से अगर ये 1500 के ऊपर चलता है तो फिर से आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर ये 1500 को होल्ड कर देता है तो 1650 तक चल सकता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपने नीचे लेवल के ऊपर लिया है तो 1500 का आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि चार्टी के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन के बाद अगर ये अपने रिसेंट हाई जो है 1580 1590, फिर यहाँ से एक मोमेंटम शूटअप होगा स्टॉक में, वो स्टॉक 1650 तक चल सकता है। ठीक,
इस बीच सपना रेड्डी जी कह रही हैं कि हैप्पी फोर्जिंग में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैम आज ही लिस्टिंग हुई है अभी, ठीक 1:45 पर हमारे साथ जुड़िएगा वाकया आईपीओ के सेगमेंट में, वहाँ संतोष सिंह जी मौजूद रहेंगे और आपके सवाल को हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और इस बीच अगले दर्शक का सवाल जो कि चौधरी जी हैं, चौधरी साहब कह रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 183 पर ले लिया है, अभी क्या करूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी एक और शेयर डिफेंस क्षेत्र का काफ़ी मजबूत शेयर है, कल यहाँ पर हमने इस पर बातचीत काफ़ी डिटेल में की थी क्योंकि कल यहाँ पर खबरें निकल करके आई थी बीएल के ऊपर। आज थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है, करीब 1.5% के आसपास के, 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। कल सीएलएसए की तरफ से इसे अपग्रेड किया गया था और यहाँ पर काफ़ी अच्छे लक्ष्य जो है वो निकल करके आए थे, अभी देखें तो 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सर ओवरऑल ज़रा चार्ट पे देखिए, काफ़ी शानदार मूव, 6 महीने के अंदर 52% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी भी क्या यहाँ पर अपसाइड देख रहे हैं, इनको 2-4 रुपए का नुकसान हो रहा है, 183 की इनकी खरीद है। देखो, मैं इनको स्टॉप लॉस सिर्फ सजेस्ट करूंगा क्योंकि लोअर लेवल से जो रिकवरी आए आपने एकदम ऑलमोस्ट हाई के ऊपर, इसको मैं टॉप तो नहीं कहूंगा लेकिन जो रिसेंट डेटा है उस हिसाब से यहाँ पे आप लोगों ने हाई के ऊपर लिया है, 176-174 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉक काफी अच्छा है, किस कारण से बाजार में गिरावट होती है तो इस स्टॉक को लिया जा सकता है। मैंने लोअर लेवल से काफी लोगों को रिकमेंड किया था, यहाँ से स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम भी किया है, आपके चैनल के ऊपर भी बीएल को मैंने रिकमेंड किया हुआ, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे क्वांटिटी को लेना चाहिए अच्छे लेवल के ऊपर। मतलब अगर वीकली चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 145 रुपीज, उसके बाद नीचे में सपोर्ट है 130, तो 145 से लेके 130 इस रेंज में कभी गिरावट आती है मार्केट में तो वहां पे धीरे धीरे करके आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। वीकली चार्ट के हिसाब से वहां पे एक बेस्ट पोजीशन बन सकती है, 115 रुपए का आपका स्टॉप लॉस। जी, तो ये फिलहाल राय आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए एक और दर्शक भाविन भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भट्ट साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाविन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं करौल से बोल रहा हूँ, अहमदाबाद के पास है। अच्छा, भरूच से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है सर भरूच। और बताइए सब कैसा चल रहा है, बढ़िया सब मजा में? बस बढ़िया है। हाँ जी, क्या सवाल है सर आपका? जी मैंने एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग के 15 शेयर लिए थे 950 के भाव से। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिया आपने? हाँ जी। अच्छा, जी, हाँ तो अभी 15% नीचे आ गया है तो क्या मैं मतलब एक्यूमुलेट करूँ या फिर एग्जिट कर दूँ? अच्छा, वैसे आपने क्या सोचा हुआ था, कितने कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? 2-3 साल का तो सोचा था मैंने। चलिए 950 पे आपने लिए हैं और आपकी खरीद से करीब 125 रुपये नीचे आ चुका है, तो नुकसान आपको ठीक ठाक हो रहा है यहाँ पर। आज तब भी रिकवरी है, 1.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से हालांकि एक जो है सकारात्मक रुख दिखाई दिया है, लेकिन उसमें भी जो है करीब 10% के अपसाइड की बात की गई है, तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अगर 10% ये शेयर चलता है तो भी आपका भाव आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सर इन्होंने थोड़ा सा ऊपर लिया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार नीचे शेयर आ रहा है, आपकी क्या सलाह रहेगी? एच जी इंफ्रा 125 रुपये के नुकसान में है अभी ये। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 780 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 780 कैसे रिएक्ट करता है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको एवरेज करना होगा तो एक चीज ध्यान में रखो, अगर मार्केट यहाँ पे 780 को टेस्ट करके फिर से अगर ये 800 लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है तो नीचे में आपको एक स्टॉप लॉस मिलेगा 780 का, तो वैसे अगर कुछ सिनारियो बनता है तो वहां पे आप अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। चार्टिंग के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न लग रहा है तो 780 आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए, 780 के नीचे एक दिन क्लोजिंग दे देता है तो एक बार अपनी पोजीशंस को क्या करें, हल्के करें। चलिए इस बीच कुछ एक और दर्शकों की टिप्पणियां भी आ रही हैं और अनमोल मिश्रा जी कह रहे हैं, ईस्ट हो या वेस्ट, दिस शो इज़ द बेस्ट। चलिए अनमोल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस हौसला अफजाई के लिए, और आप लोग इस तरह से जो प्रेम देते हैं ये उसी का नतीजा है कि हम लोगों को भी काफ़ी ऊर्जा मिलती रहती है और कोशिश करते हैं कि कोई भी जानकारी आप लोगों से छूटने ना पाए, आप लोग कोई नुकसान ना हो आप लोगों को। और उसने एक और हमारे दर्शक हैं और लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये हैं बबलू राजपूत जी, कह रहे हैं हेलो सर, आई एम नॉट करेंटली इन्वेस्टिंग बट आई एम एक्टिव व्यूअर ऑफ द शो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम देखने के लिए, समझने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो फिर कौन से शेयर अच्छे रिटर्न देंगे, और इलेक्शन के नतीजों को देखते हुए।
और कह रहे हैं कि क्या टाटा स्टील या फिर मोटर्स में से चुनना कौन सा सही रहेगा 6 महीने के नज़रिए के लिहाज से। चलिए सर, अब ये तो जो लोग राजनीति और बाजार को देखते हैं उनसे पूछेंगे। नितलेश जी तो जो है चार्ट्स देखते हैं, तो हालांकि आपका सवाल मैं उनको टॉस कर दे रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई फंडामेंटल व्यू होंगे तो हम उनसे भी पूछ लेंगे। ये सर टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, ये जो है इन्होंने देख करके कुछ समझ करके इन्होंने चुना है, कह रहे हैं कि क्या 6 महीने के लिए ठीक रहेगा। दूसरा सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है 2024 के चुनाव को तो कहाँ पर पैसे लगाए जा सकते हैं। अभी तक इन्होंने पैसे लगाए नहीं है शेयर बाजार में, पर कार्यक्रम जरूर देखते हैं। देखो, इसका मैं थोड़ा सा अलग आंसर देना चाहता हूँ कि मार्केट क्या सोच रहा है। ओके, मार्केट क्या सोच रहा है उस हिसाब से मार्केट रिएक्शन देगा जरूर। जैसे कि मान लो, अगर मैच चल रहा है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, और वहां पे आपको अगर पहले से रिजल्ट पता है कि इंडिया मैच जीतने वाला है, तो मार्केट इतना बड़ा सरप्राइज नहीं करेगा। ओके, जैसे कि बीजेपी के केस में, अगर लग रहा है कि बीजेपी जीतने वाली है, तो इतना बड़ा मार्केट सरप्राइज नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर विन विन सिचुएशन होता है, अगर अफगानिस्तान ने इंडिया को थोड़ा सा टाइटली मैच करवाया, तो मार्केट कैसे सोचेगा कि आने वाले समय में क्या कंपटीशन क्रिएट हो सकता है बीजेपी के लिए, तो उस हिसाब से मार्केट सोचेगा। अगर समझो गलती से कि अफगानिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, तो रिएक्शन कैसे होगा कि अफगानिस्तान ने इंडिया को हरा, मतलब सबसे निगेटिव बात होगी। तो वो रिजल्ट के इम्पैक्ट के ऊपर है कि मार्केट उस हिसाब से लेता है। तो अगर बीजेपी जीत जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जीतने ही वाली है, ऐसा अभी के माहौल के साथ लग रहा है। तो मार्केट उस समय पे आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट किस हिसाब से करवाता है। देखो, मैं किसी भी पार्टी के रिलेटेड कोई भी कमेंट यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि ये जो सिनारियो है, हम लोग 2014, 2019 ये यहाँ पे भी देख रहे हैं, 2000 मतलब 20 में जो इलेक्शन होते हैं, उस हिसाब से मैं ये कैलकुलेट चीजें कर देता हूँ। क्योंकि कैसे बिल्कुल होगा कि मार्केट क्या सोच रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। अगर विनिंग जो पार्टी आती है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। 2014 में जब हम लोगों ने इलेक्शन रिजल्ट आए थे, तो हम लोगों ने शॉर्ट पोजिशंस क्रिएट किए थी। क्यों शॉर्ट पोजिशंस क्रिएट की थी? तो पहले ही पता चल गया था कि ये रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आने के बाद वो चीजें क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। वहां पे आप कैसे रिएक्शन करते हैं, उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट टाइम में अगर हम लोग देखेंगे, वहां पे सब कांग्रेस पार्टी जीतेगी ऐसा सबको लग रहा था, मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड वे में बीजेपी ने 3 सीट जीत लिए, तो मार्केट क्या करेगा, एक पॉजिटिव वे में लेगा। तो उस हिसाब से वहां पे हमें देखना चाहिए। उसके पहले जनवरी है, फरवरी है, बिल्कुल दो बड़े मंथ है जहां पे थोड़ा सा रिवर्सल चीजें देखने को मिलती है। तो दिल्ली अभी काफी दूर है, मार्केट अभी अगली 10 मिनट की कैंडल क्या बनाएगा, वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होना काफी है। तो और दूसरी बात रही टाटा सिल्क के बारे में, टाटा सिल्क आज मैंने चुन चुन के में चुना है, तो आप वहां पे वो लेवल्स देख सकते। ठीक है, तो आप वेट कीजिए, आखिर में जो है क्या लेवल्स होंगे वो हम आपको कार्यक्रम में आखिर में बताएंगे। संजय जी से बातचीत कर लेते हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते संजय जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, आप बताइए। हम तो बहुत अच्छे हैं सर। और क्या करते हैं संजय जी आप? मैं सर एजुकेशन ही कर रहा हूँ अभी, तो क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ सर, स्टडी। पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी सोच के पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, हम तो यही चाहेंगे। आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? सर टाटा टेक का शेयर लिया था मैंने 1220 के रेट में, तो वो काफी टाइम होगा नीचे जा रहा है, तो उसके बारे में पूछना था। वो उससे ऊपर जाएगा, उसमें रुके या निकल जाए, जाएगा और क्या तो कब तक सोचा आपके जाएगा लिए उससे थे कि ऊपर? आपने सर कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? 1 महीना। 1 महीना नजरिया थोड़ा सा आपका छोटा है अभी आपको। अच्छी बात यह कि ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं मैंने होगा, बारह लिया सौ था उस की टाइम, उसके बाद गया था ऊपर, पर मैंने सोचा अभी तो वो, उसके बाद गिर गया, 1-2 दिन ही गया था, 1260 के आसपास गया था, फिर वो वापस गिर गया, बिल्कुल 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 उसके बाद दोबारा नहीं गया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। शेयर चल भी बहुत गया था सर, क्या इशू प्राइस था और कितने ऊपर के भाव पे लिस्ट हुआ, और उसके बाद से 1260 तक गया और वहाँ पर जाकर के आपने 1220 पे लिया, तो थोड़ा सा ऊपर की खरीद है आपकी। हालांकि अभी चूंकि कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है, तो फंडामेंटली लोगों का ये मानना है कि अब हो सकता है कि अब यहाँ से चलने में थोड़ी सी समस्या हो, कि जब एक बार बाजार अब एक बार देखना चाहता है कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, जो लिस्टिंग को लेकर के यूफोरिया था वो अब समाप्त हो रहा है धीरे 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 करके, तो वो एक बार नतीजे वगैरह आते हैं उसके बाद से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो फंडामेंटल कारण है। चार्ट्स अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जो भी अवेलेबल है उसके बारे में पूछ लेते हैं। टाटा टेक सर
लोगों ने जम के पैसे कमाए जिन लोगों को आईपीओ में मिले, पहले तो लोगों को मिले नहीं, फिर सेकेंडरी मार्केट में भी लोगों ने काफ़ी एंट्री करने की कोशिश की, बहुत लोगों ने ऊपर के भाव पे लिए, उनमें से एक हमारे संजय जी भी हैं जिन्होंने 1220 पे लिए हुए हैं, अभी क्या करना चाहिए इनको? देखो एक चीज में आईपीओ रिलेटेड थोड़ा सा हमेशा डिस्कशन करता हूँ कि जिस भी दिन आईपीओ लिस्टिंग डे का जो लो होता है उस लो के नीचे अगर बाजार चलना चालू कर देता है तो वहां पे दिक्कत पड़ सकती है, तो वहां पे उस प्राइस के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा तो आप अपनी पोजीशंस को कट कर लेना। अभी रिसेंट चार्ट के हिसाब से 1150 1100 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, इसके नीचे जाएगा तो एक बार के लिए आप पोजीशंस को क्या कर लेना, कट कर लेना। लेकिन जब तक ये लेवल के ऊपर है आप अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। 1230 एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, इसके ऊपर निकलेगा तो शायद से आपको एक 1270 1280 ये भाव तक आपको देखने को मिल सकता है, एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। चलिए तो ये रणनीति आपके लिए रहेगी। चलिए अब हमारे साथ विकेश महापात्रा जी मौजूद हैं, अपने अगले दर्शक। महापात्रा जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सर? वेस्ट बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल से बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में किस जगह से सर? बांकुड़ा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बाकी सब भालो? बाकी सब भालो सर। जी जी, क्या करते हैं सर आप? पुलिस में नौकरी करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न है बताइए, जरा पूछिए अपना प्रश्न बताइए। मेरे पास लेमन ट्री होटल का 100 शेयर है, 121 रुपये भाव पर। 121 रुपये के भाव पर? हाँ हाँ। कौन सा होटल बताया सर आपने? लेमन ट्री होटल। लेमन ट्री। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो लेमन ट्री आपने ले रखा है, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? 2 साल। चलिए ठीक है। होटल शेयरों को लेकर के एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है था, खासतौर से अभी जो वर्ल्ड कप गया उसके बाद से G20 सम्मेलन रहा तो एक मोमेंटम यहाँ पर बना था, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से शेयर ऊपर गए थे। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अब जो है एक हालांकि वो एक बहुत एक खास शहर को लेकर के है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है हम देख रहे हैं कि अयोध्या के अंदर लोग पहुंच रहे हैं और कई नई सारी फ्लाइटें शुरू हो रही हैं और इसको लेकर के काफ़ी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन लेमन ट्री को इसका फ़ायदा होगा कि नहीं पता नहीं, अभी 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सर लेमन ट्री पे इनकी खरीद है और ये 2 साल होल्ड कर सकते हैं। हॉस्पिटलिटी कारोबार जो है आगे कैसा आपको दिखाई दे रहा है, और इनको नुकसान ज्यादा नहीं है, 2-3 रुपए का नुकसान है और नजरिया चूंकि लंबा है तो क्या एक बार के लिए बने रहे? जी बने रह सकते हैं, 112 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो 125 अगर ये निकाल देता है तो फिर आपको 2 साल रुकने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक 12-15% का एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, फिर आप वहां पे थोड़ा सा क्वांटिटी बुक करके बाकी की ट्रेडिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ यूज कर सकते हो, क्योंकि ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन होने के बाद एक कंफर्मेशन आ जाएगा प्राइस में, तो 112 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीचे अगर मिलता है इस कारण से 95, ये उसका एक इम्पोर्टेंट जोन है जहां से उसने ब्रेकआउट किया था, तो 95 अगर देखने को मिलता है तो वहां से आप फिर से री एंटर कर सकते हो 85 रुपीज के स्टॉप लॉस। जी चलिए ठीक है, तो ये रणनीति आपके लिए रहेगी सर। इस बीच चलते हैं, जरा अंकित जी का प्रश्न ले लेते हैं, और अंकित जी कह रहे हैं कि कुछ मजबूरी है जिसके वजह से वो बात नहीं कर पाएंगे ऑफिस के अंदर, लेकिन वो कार्यक्रम जो है वो यूट्यूब के माध्यम से जो है वो अब क्या सलाह दी गई है उसको फॉलो कर लेंगे। डेटा पैटर्न्स के ऊपर इनका प्रश्न आया है, 10 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 781 की इनकी खरीद है, और अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 1885 का देखने को मिल रहा है। एक बार जरा प्रश्न इनका फिर से दिखाइए, अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हुए हैं अंकित जी, परेशान क्यों हैं फिर आप? 10 शेयर लिए 781 पे, अभी चल रहा है 1800, तो मतलब ऑलमोस्ट जो है लगभग 2.5 गुने के आसपास का मुनाफा आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। शेयर के अंदर भी अगर हम देखें तो अच्छा चार्ट पे स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, पिछले अभी पिछले 6-7 महीनों में सुस्ती आई है, एक तरफा चला ये शेयर और अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है। सर क्या सलाह रहेगी? नीचे आ रहा है, इन्होंने शायद काफी पहले लिए थे, प्रॉफिट में अच्छे हैं, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 1800 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो इसमें एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, तो यहाँ तक का अगर आपको रुकना है 1800 का एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, क्योंकि आपका जो बाइंग लेवल है काफी लोअर लेवल से, मतलब 800 रुपए का बाइंग है तो 1800 रुपए का स्टॉप लॉस भी अगर आप रखते हो तो यहाँ पे
आप 1,000 रुपये तो घर पे लेके चल सकते हो। ये 1,800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर एक ट्रेंडलाइन का सपोर्ट एरिया है, तो उसी को मार्केट अभी सपोर्ट की तरह ले रहा है, इसके नीचे ही वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है, तो 1,800 के स्टॉप लॉस के साथ अब स्टॉक में बने रह सकते। एक और दर्शक हैं हमारे, और ये सर कई बार आपसे इस ग्रुप के ऊपर काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है, और ये समूह ऐसा है कि लगातार चर्चाओं में रहा है, और हम बात कर रहे हैं अदानी ग्रुप को लेकर के। कह रहे हैं सर, क्या अदानी ग्रुप के ऊपर से सारे कोर्ट केसेस ख़त्म हो गए हैं? अगर हाँ, तो बेस्ट अदानी ग्रुप का स्टॉक कौन होगा? पहले तो सर, अभी कोर्ट केसेस ख़त्म नहीं हुए हैं, चल रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आना था सेबी की जांच को लेकर, उसमें ये कहा गया कि अभी सेबी ने कंप्लीट जांच पूरी नहीं की है, एक बार वो कंप्लीट जांच पूरी कर लें फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर टिप्पणी की जाएगी। तो वो एक जो है सबकी नज़रें वहाँ पर लगी हुई हैं। लेकिन अदानी समूह को लेकर के सर आपकी राय जानना चाहेंगे कि अभी अदानी समूह पे क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए, क्योंकि लंबा समय हो गया, काफ़ी लोग जो है अदानी पर सवाल लगातार डेली जो है आ रहे हैं। अभी आपकी सलाह क्या रहेगी, इन लेवल्स के आसपास क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे अगर हम लोग अडानी एंटरप्राइज में अगर हम लोग देखेंगे तो 3,000 का जो एक राउंड नंबर था, उस राउंड नंबर को मार्केट ने क्या किया है, टेस्ट किया है। अभी जो ट्रेड कर रहा है 2,800 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो बेस फॉर्मेशन हो चुका है, तो जब तक 2,700 के नीचे नहीं जाता है, तो मेरे हिसाब से 2,700 से लेके 2,650 तब तक इसमें बड़ा वीकनेस हमें देखने को नहीं मिलेगा, और ऊपर में 3,000 जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको अगर चाहिए यहाँ पे 2,680 2,700 इस रेंज में मिलता है, तो 2,640 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो कम क्वांटिटी के साथ। जैसे ही ऊपर में 2,800 फिर से रीगेन करेगा तो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ा के अपने स्टॉप लॉसेस को क्या करके चल सकते हो, ट्रेल करके चल सकते हो। लास्ट टाइम में मैंने कुछ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक रील बनाया था, तो वहां पे भी मैंने बोला था कि जब ये 2,700 क्रॉस होने के बाद 3,000 का लेवल फास्ट मोमेंटम के साथ दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बार बार मार्केट जाके रिएक्शन दे रहा था, तो ये रिएक्शन जो नहीं अभी वो सपोर्ट का काम है। अदानी इंटरप्राइजेस पे ये व्यू है। चलिए, इस बीच सर अदानी पे चूंकि हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि किसी पर भी हम थंब भी लगाएं, तो दो तीन खबरें हैं वो हम जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं फटाफट। कि देखिए, अदानी पोर्ट पे खबर ये है कि 3 जनवरी को जो है कंपनी की बोर्ड बैठक हो रही है, और ये हो रही है फंड जुटाने के लिए, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के ज़रिए ये रकम जुटाई जाएगी। अदानी ग्रीन पर खबर ये है कि अदानी परिवार जो है वो अब इस कंपनी में करीब 9,350 करोड़ रुपए जो है वो निवेश करेगा प्रेफरेंशियल इशू के ज़रिए, और ये करीब 1,480 रुपए के आसपास के भाव पर ये होगा। अदानी ग्रीन सॉल्यूशंस के ऊपर भी खबर है कि कंपनी ने जो है पीएफसी के से जो है वो हलवार ट्रांसमिशन को खरीदने के लिए लेटर जो है वो हासिल कर लिया है। सर, ये अगर इन तीनों पे अगर आप एक एक करके टिप्पणी कर दें, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी पोर्ट, जहाँ पे आज खबरें हैं, और इन खबरों के चलते जो है यहाँ पर हालांकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन अदानी समूह को लेकर के सवाल काफ़ी थे, तो अगर इस पर आप टिप्पणी कर सकें इन तीनों पर भी। देखो अडानी पोर्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो काफी अच्छा खासा मोमेंटम के बाद अभी ये स्टॉक खुलाफ हो रहा है, तो अगर किसी को लेना होगा तो लेने के लिए जो रेंज होगा वो 850 से लेके 800, भले ही ये 150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे का रेंज है, लेकिन वही एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिलेगा। फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 780 के आसपास। और दूसरा अडानी एंटरप्राइज के बारे में डिस्कशन तो कर ही लिया है। अडानी ग्रीन में एक चीज अगर हम लोग देखेंगे तो अभी जो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1,600 रुपए के आसपास। 1,600 का इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले वाला जो टॉप लगाया था वही जाके मार्केट अभी वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 1,630 1,640 इस रेंज के ऊपर सस्टेन होता है, फिर से एक नया आपको इसमें स्टार्ट होगा। ये स्टॉक को 1,780 से लेके 1,800 ये लेवल तक लेके चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो फिबो नंबर के हिसाब से ऑलमोस्ट वही एक रिजेक्शन एरिया है, तो वहां पे देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो 1,630 रुपए के ऊपर इसमें मोमेंटम आना स्टार्ट होगा, 1,580 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।